तो दोस्तों हिंदी लुकअप में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के दौरान खांसी होने के क्या कारण और क्या लक्षण होते हैं, बच्चे को इसके क्या नुकसान हो सकते हैं या माँ को क्या नुकसान हो सकते हैं, और खांसी को रोकने का इलाज घरेलू उपाय के बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। क्या आप प्रेग्नेंट हैं और क्या आपको खांसी परेशान कर रही है और आपको डर है कि इससे आपको या आपकी प्रेगनेंसी यानी बच्चे को कोई खतरा या नुकसान तो नहीं होगा? कहते हैं आप जितनी मर्जी स्ट्रोंग हैं लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम एक बार आपको सर्दी या जुकाम अपनी चपेट में ज़रूर लेता है, खासकर यदि आपकी प्रेगनेंसी सर्दियों के दौरान हो। सर्दी जुकाम के दौरान या ठीक होने के बाद गीली या सूखी खांसी कुछ दिन आपको परेशान कर सकती है, और जो कि आम बात होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान सर्दी जुकाम या गला खराब होना आपको जल्दी हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के जो दौरान है सर्दी जुकाम या बुखार होना इसलिए अधिक होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के समय आपका रोग प्रतिरोधक तंत्र यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और ऐसा बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए शरीर प्राकृतिक रूप से करता है, और कमज़ोर इम्यून सिस्टम के कारण आपका बच्चा जीवित रहता है। कमज़ोर इम्यूनिटी होने से आपको सर्दी जुकाम बुखार और गला ख़राब होने जैसी मौसमी रोग जल्दी लग जाते हैं, जिसके कारण आपको खांसी की समस्या हो सकती है। यदि प्रेगनेंसी में ज़्यादातर कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं कि बात करें, तो सबसे पहला कारण होता है वायरस के कारण सर्दी जुकाम होना। यदि आपको एलर्जी की समस्या है तो प्रेगनेंसी के दौरान एलर्जी और अधिक परेशान कर सकती है, जिससे सूखी खांसी होना एक आम सी बात होती है। इसके अलावा यदि आपको अस्थमा की शिकायत है यानी दमे की प्रॉब्लम है तो भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान खांसी ज़्यादा होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में खांसी होने के कई कारण हो सकते हैं, और प्रेगनेंसी में आपको किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए यदि आपको खांसी हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज लेना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि प्रेगनेंसी में खांसी होने से क्या बच्चे को नुकसान हो सकता है? जहाँ तक प्रेगनेंसी में खांसी से बच्चे को नुकसान की बात आती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि डॉक्टर कहते हैं कि खांसी आने से बच्चे को आपके पेट के हिलने के कारण झूले ज़रूर मिलते हैं, लेकिन गर्भावस्था में खांसी होने से आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। जैसे कि एक तो पहले ही आपको पेट के बड़े आकार के कारण नींद कम आती है, और दूसरा खांसी की समस्या हो तो आपकी नींद बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। प्रेगनेंसी में यदि आपको खांसी के दौरान यदि आपकी मूत्र की कुछ बूंदें यदि लीकेज हो जाए तो इसमें घबराने की बात नहीं होती। इसका कारण होता है कि पहले तो बच्चे का बढ़ता हुआ आकार आपके ब्लैडर पर दबाव डालता है, और दूसरा खांसी के कारण भी ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, इसलिए कुछ महिलाओं को यूरिन लीकेज की समस्या भी आ जाती है, तो यह एक नॉर्मल बात होती है। कुछ महिलाओं को ये डर रहता है कि उनको फ्लू तो नहीं हो गया प्रेगनेंसी के दौरान, तो हम आपको कुछ लक्षण बताते हैं कि फ्लू में या सर्दी जुकाम जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड है उसमें होने वाली लक्षण क्या होते हैं या होने वाले क्या सिम्टम्स होते हैं, जिससे आप ये पहचान कर सकें कि आपकी जो खांसी का कारण है वो वायरल इन्फेक्शन है या कॉमन कोल्ड है यानी सामान्य सर्दी जुकाम। यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान सर्दी जुकाम जो कि कॉमन कोल्ड है वो हुई है, तो इसमें आपका गला खराब होगा, गले में दर्द होना या खराश होना हो सकता है, बार बार छींक आना, नाक बंद होना या नाक बहना, कमजोरी अधिक महसूस होना, सूखी खांसी होना, हल्का बुखार होना। देखिए बहनों, केवल सर्दी लगने से होने वाली खांसी एक दो दिन में ठीक हो जाती है, और इस दौरान आपको हल्का बुखार ही रहता है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन या फ्लू के कारण बुखार तेज हो जाता है, और इस केस में आपको तुरंत डॉक्टर से इलाज लेना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी में बुखार तेज होने से नुकसान हो सकता है। फ्लू होने पर आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जिसमें आपको ऐसे अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना होता है। लक्षण होते हैं तेज बुखार होना, आमतौर पर ऐसा बुखार 102 से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, ठंड अधिक लगना, कंपकपी छूटना, सिर भारी रहना या तेज सर दर्द होना, गला बहुत अधिक खराब हो जाना, बहुत अधिक कमजोरी होना, शरीर में दर्द रहना और तेज बुखार होना।
लक्षण महसूस हो तो आपको और आपके बच्चे को खतरा होने की संभावना रहती है, इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास मदद के लिए जाना चाहिए ताकि आपको सही समय पर इलाज मिल सके। प्रेगनेंसी में खांसी का होना आपको परेशानी में डाल सकता है, जैसे नींद की कमी, बेचैनी अधिक रहना, थकावट होना, इसलिए आप कुछ उपाय अपनाकर प्रेगनेंसी में खांसी की समस्या को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो आप ये कर सकती हैं कि अपने डॉक्टर से पूछकर खांसी के लिए अच्छा सिरप ले सकती हैं। सिरप आपको हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही लेना चाहिए, अपने आप किसी के कहने पर आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस सिरप में या खांसी की दवा में कुछ ऐसा घटक हो जिसे प्रेगनेंसी के दौरान लेना सही ना हो। इसलिए बेहतर होगा कि आप डॉक्टर की सलाह से ही खांसी रोकने का कोई सिरप इस्तेमाल करें। इसके अलावा खांसी के कारण नींद की कमी और थकावट आपके शरीर को और कमज़ोर बना सकती है, इसलिए आपको अपने शरीर को सही रखने के लिए भरपूर आराम करना चाहिए और जब नींद आए तो सो जाना चाहिए, क्योंकि नींद लेने से खांसी की समस्या जल्दी ठीक होती है। इसके अलावा आप स्वस्थ डाइट खाएं जिससे आपके शरीर को भरपूर पोषण मिल सके और आपके शरीर की जल्दी रिकवरी हो सके। आपको फल फ्रूट और पौष्टिक खाद्य पदार्थ अधिक खाने चाहिए, जिनके बारे में अधिक जानकारी और डाइट चार्ट आप अपने डाइटिशियन या डॉक्टर की सलाह से बनवा सकते हैं। सर्दी जुकाम खांसी रोकने के लिए और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे संतरा, मौसम्बी, ग्रेप फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज, कीवी फ्रूट, आम आदि खाकर आप विटामिन सी को प्राप्त कर सकती हैं। ये विटामिन आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं, जिससे आपको सर्दी जुकाम और खांसी की समस्या जल्दी ठीक हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको जिंक युक्त जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो आपको खाने चाहिए ताकि आपकी इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग बन सके। इस मिनरल को पाने के लिए आप डॉक्टर से कोई सप्लीमेंट लिखवा सकते हैं या फिर दही, ओटमील, अंडे आदि का सेवन करके आप इसे भोजन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पानी पीना खांसी जल्दी ठीक करने का सबसे सरल घरेलू उपाय या नुस्खा होता है, क्योंकि पानी से आपका शरीर और गला खुश्क नहीं रहता, यानी ड्राई नहीं रहता, जिसके फलस्वरूप खांसी आपकी रुक जाती है। यदि खांसी के घरेलू नुस्खे की बात की जाए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप खांसी को रोकने के लिए लहसुन का रस का सेवन कर सकते हैं या अदरक और शहद का मिश्रण आप ले सकते हैं, इससे आपको खांसी से जल्दी छुटकारा मिलेगा। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही नाजुक समय होता है और आपको कोई भी घरेलू नुस्खा बिना डॉक्टर के सलाह किए बिना आपको कभी नहीं अपनाना है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। बहनों, प्रेगनेंसी में खांसी होने के कई कारण हो सकते हैं, हमने आपको कुछ लक्षण भी बताए। यदि आपको कोई और समस्या है तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको डॉक्टर से ही मदद लेनी चाहिए और इंटरनेट या किसी के कहने पर कोई भी दवा का सेवन अपने आप नहीं करना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से सलाह करें। और आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। हैव ए हेल्दी प्रेगनेंसी।